नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, UDF यानी अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, यानी कि मोशन में अनपचा खाना आना। क्या आपको मोशन में अनपचा खाना आता है? कभी आपने अपने मोशन को देखा है? अगर नहीं देखा तो जरूर देखें, और हमें यानी कि हर व्यक्ति को अपना मोशन जरूर देखना चाहिए, जरूर चेक करना चाहिए। अगर आपके मोशन में अनपचा खाना आता है तो आप हो सकते हैं बड़े बड़े रोगों से पीड़ित, यानी कि या तो आपको कोई डिजीज आ चुकी है या कोई डिजीज आपको आ सकती है। दोस्तों, जितनी भी बड़ी बड़ी डिजीज हमें ध्यान में आती है, चाहे डायबिटीज है, चाहे थायराइड है, चाहे बीपी है, चाहे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मोटर न्यूरॉन है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, हार्ट संबंधित प्रॉब्लम है, यानी कि अगर कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, यानी कि काफी लंबे समय से अगर हमें दिक्कत आई है, तो उसमें एक कारण हो सकता है मोशन में UDF आना। अब दोस्तों, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि UDF होता क्या है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया, अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, यानी कि अगर मोशन में अनपचा खाना आता है, जैसे कि आपने मेथी खाई, मेथी का पत्ता आपको मोशन में नजर आता है, आपने टमाटर खाया, टमाटर का छिलका मोशन में नजर आता है, आपने दाल खाई, दाल का छिलका आपको मोशन में नजर आता है, आपने मटर खाई, मटर का छिलका मोशन में नजर आता है, तो यही है UDF। यानी कि हमारे पेट में एक एसिड होता है, और जब वो एसिड ठीक प्रकार से नहीं बन रहा है तो UDF आ सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर आपको कभी कोई परेशानी रही होगी तो आपको कहा जाता है कि आप लैब में जाके स्टूल टेस्ट कराएं, और इस प्रकार से आप अपना स्टूल टेस्ट घर में कर सकते हैं, बिना किसी खर्चे के कर सकते हैं, या बिना कहीं जाए भी कर सकते हैं। यह एक स्टूल टेस्ट ही है। हर किसी को मोशन देखना चाहिए, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उसी से मोशन बनता है, वो हमारे शरीर में ही रहता है। इसलिए देखने में हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि कैसी बातें कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को अपना मोशन चेक करना चाहिए, और अपनी बीमारी को डायग्नोज भी आप इसी आधार पर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर छोटा बच्चा है तो उसका एक बहुत बड़ा लक्षण है UDF जानने का। दोस्तों, जब देखा होगा आपने कि छोटा बच्चा अगर दूध पीता है और वो दूध का दूध ही निकालता है, तो इसका मतलब उसको UDF की समस्या है। क्योंकि अगर उसका पेट ठीक होता, उसका डाइजेशन ठीक होता, तो वो फटा हुआ दूध निकलता। यानी कि आपने देखा होगा, अगर छोटा बच्चा कभी घर में दूध निकाल देता है तो वो फटा हुआ ही निकलना चाहिए। अगर वो फटा हुआ निकलता है, इसका मतलब उसका डाइजेशन ठीक है। अगर वो दूध का दूध ही निकलता है, तो इसका मतलब उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, उसको भी UDF की समस्या हो सकती है। या बात करें बड़े व्यक्ति की, उनसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या आपको UDF आता है? और जो लक्षण मैंने बताए, उनसे हम इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या आपको मोशन में ऐसा नजर आता है? या तो व्यक्ति कह देंगे कि हाँ मुझे आता है, या वो कहेंगे कि मैंने देखा नहीं। अगर नहीं देखा तो आप अगले दिन देख सकते हैं। या जीभ में बहुत सारे कट्स हो सकते हैं, किसी की जीभ देखेंगे हम, उसमें बहुत सारे कट्स नजर आते हैं, तो ये भी एक पहचान है UDF की। या बात करें, ये वाला जो एरिया है, यानी कि नाभि से लगभग 3 उंगली ऊपर ये वाला जो पोर्शन है, अगर यहां दबाए या छूने से भी दर्द हो, या यहां बहुत हार्ड नजर आए, तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि UDF की समस्या हो सकती है। दोस्तों, हमारे पेट में एक एसिड होता है, जब वो एसिड ठीक प्रकार से नहीं बन रहा है, उसका एक pH लेवल होता है, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो एक मापक इकाई है। उस आधार पर हम नापते हैं कि इसका pH लेवल कितना है। अगर वो 3 से नीचे जाता है, 0 तक जाता है, तो वो बहुत अच्छा एसिड है, जो खाने को पचाने में बहुत हेल्पफुल है। अगर उसका pH लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, या वो अपर वाली साइड में चला जाता है, 8, 9, 10 हो जाता है मान लीजिए, तो उसके पेट का एसिड ठीक प्रकार से नहीं बन रहा है, और जब पेट का एसिड नहीं बनता तो इस कंडीशन में UDF आ सकता है। और एसिड ठीक बनेगा जब जब हमारे पेट का HCl ठीक रहेगा। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दोस्तों ये 3 चीजों से मिलकर बना है।
एसिटाइलकोलाइन, हिस्टामाइन और गैस्ट्रिक। जब ये तीनों तत्व ठीक रहते हैं, एसिटाइल ठीक प्रकार से बनेगा तो हमारे पेट का एसिड ठीक रहेगा और हमें यूडीएफ की समस्या नहीं होगी। जब हमारे पेट का एसिड ठीक रहता है तो पेप्सिन निकलता है जो प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है, और अगर एसिड नहीं निकल रहा, वो अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रहा, तो प्रोटीन्स नहीं पचेंगे और वो हमारे मोशंस में नजर आएंगे। यही है यूडीएफ। दोस्तों, इस आधार पर आप खुद डायग्नोज कर सकते हैं कि कहीं आपको यूडीएफ तो नहीं है, और अगर आपको यूडीएफ आता है तो आप अपना रूटीन चेकअप कराएं, डॉक्टर से संपर्क करें या न्यूरोथेरेपी उपचार लें और अपने यूडीएफ की समस्या को हमेशा के लिए ठीक करें, और यूडीएफ के कारण से जो आपको डिजीज आने वाली है उससे आप बच सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।